नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं यूपीएस न्यूज 24 लाइव। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पिनाहट में गल्ला व्यापारी दंपति की लूट के बाद हत्या, मकान की दूसरी मंजिल पर कमरे में पड़े मिले पिनाहट। रविवार को कस्बे में व्यापारी दंपति के शव मकान की दूसरी मंजिल पर पड़े मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार थाना पिनाहट क्षेत्र के मोहल्ला मार निवासी सुरेश चंद गुप्ता उम्र 70 वर्ष व्यापारी हैं और रामलीला रोड पर तेल मिल की दुकान है। रविवार दोपहर करीब 12 बजे पड़ोसी ने देखा कि सुरेश चंद गुप्ता की दूसरी मंजिल के मकान के दरवाजे खुले हुए थे और सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना आसपास के पड़ोसियों ने तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कुलदीप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। गल्ला व्यापारी सुरेश चंद गुप्ता चारपाई पर पड़े हुए थे और उनकी पत्नी कृष्णा गुप्ता चारपाई के नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। वहीं पति के सिर पर चोट के निशान थे। पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा है। वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है। पिनाहट थाना क्षेत्र में पिनाहट कस्बे में सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि दो लोगों की, जो पति पत्नी है, उनके दरवाजे खुले हुए हैं ऊपर से, जिन लोगों ने देखा था। मौके पर पुलिस ने जाके देखा तो वहाँ पे पति पत्नी दोनों ही मिले, जिनकी उम्र 65 से 70 साल के बीच में है और एक के सिर पे चोट के निशान थे। चेक किया गया, फिर हॉस्पिटल भिजवाया गया तो वो दोनों मृत घोषित कर दिए गए। कमरे में सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। परिजनों को सूचना दी गई है, वो तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि कुछ लोग अंदर आए हैं, सामान भी बिखरा पड़ा था और उन्हीं के द्वारा हो सकता है रात में लोग जग गए हों तो ये हत्या कारित की गई है। इसमें जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण आएगा उसके आधार पर विवेचना की जाएगी। अभी मौके पर शांति व्यवस्था है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। कुल 3 टीमों को लगाया गया घटना के दौरान। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए यूपीएस न्यूज 24 लाइव।